तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसा आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा वैसा है, उसी सॉन्ग पे अगर आप अपने खुद के फोटो के साथ, अपने पार्टनर के फोटो के साथ इसी टाइप का स्टेटस इसी सॉन्ग पे अगर आप बनाना चाहते हो तो उसको आप कैसे बनाएंगे, उसका मैं पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। काइन मास्टर ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 9:16 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जिस भी फोटो पे आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उस वाली फोटो को यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। तो फोटो को जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे वो वाली फोटो यहाँ पर आ जाएगी। फोटो आ जाए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको इसी तरीके से रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बीच में फोटो को ज़्यादा रखना है, पूरी फ्रेम में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो लिरिक्स है वो यहाँ पर बीच में ही आएगी। इसके लिए आपको इस तरीके से बीच में ही फोटो को बड़ा रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोटो को रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको इसको अभी तो इसकी साइज इतनी रहने दीजिए, बाद में आपको बता दो कितनी रखनी होगी। तो पहले इसको इतना रहने दीजिए, 60 वाले पॉइंट पर आ जाइए। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है लेयर पर, फिर जाना है मीडिया पे, और यहाँ पर एक लिरिक्स ग्रीन स्क्रीन का मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वाले ग्रीन स्क्रीन को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैंने पूरा कंप्लीट बना कर ही दिया है, एकदम सॉन्ग के साथ ही होगा। तो इसको आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, फिर यहाँ से इसको आपको फुल स्क्रीन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों राइट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आप जो फोटो वाला लेयर है उसको आपको यहाँ पे अपनी जो ग्रीन स्क्रीन है उसके हिसाब से आपको सेट करना है, ठीक है। दोनों को एक साथ में आपको सेट कर देना है, फिर 60 वाले पॉइंट पर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद इस वाले ग्रीन स्क्रीन लेयर पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर आपका आ जाए क्रोमा की पे, और क्रोमा की पे आने के बाद इसको यहाँ से आप इनेबल कर दीजिए। और अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा आप आगे की तरफ ले लीजिए जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर, और अगर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। ओके, इतना एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद राइट के बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो फिर से यहाँ पर देखिए इस वाले जो वीडियो है इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट बनेगा। अब दोस्तों इसको आपको एकदम एग्जैक्ट एकदम साथ में रखना है लास्ट में, और फिर इस वाले वीडियो को आपका एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो वीडियो जैसे एक्सपोर्ट हो जाए अब यहाँ से फिर से बैक आना है। अब दोस्तों इसको यहाँ से आपने डिलीट कर देना, ठीक है। दोनों चीज़ों को आपके यहाँ से डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के बाद फिर से मीडिया पे जाना है, और यहाँ पर जो वीडियो अभी आपने एक्सपोर्ट किया उसी वीडियो को फिर से यहाँ पर ऐड कर देना है। और वीडियो को ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट अगर आप आओगे तो स्टार्ट में अगर इस तरीके से थोड़ा सा फोटो अगर दिखाई दे रहा है तो क्या करोगे, आप थोड़ा सा आगे की तरफ आओगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा आप कट कर लोगे तो फोटो अब नहीं दिखाई देगा और इस तरीके से आपकी वीडियो आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे देखिए इसके बाद में यहाँ पे इसके बाद में एक और चीज़ आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पे आ जाओगे, फिर जाओगे मीडिया पे, और यहाँ पर जो भी फोटो लिया था उसी फोटो को फिर से यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। तो फोटो को ऐड करने के बाद अब इस बार आपको फोटो को पूरी फ्रेम में लेना होगा। तो यहाँ पर आपको आ जाना है यहाँ पर, ठीक है, कैंची के बाद जो लोशन पे आना है। अब दोस्तों इसको आपको पूरी फ्रेम में इस तरीके से बड़ा कर देना है। ओके, अपने हिसाब से आपको एकदम परफेक्टली यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर आपको इक्वल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ओके, फिर राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से फोटो लेयर पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है कलर फिल्टर पर, और यहाँ पर जाना है बेसिक पे, और यहाँ पर आपको B32 सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद इसको राइट के बटन पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर रहकर आपको स्टार्ट वाले पॉइंट पे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑडियो सॉन्ग को ऐड करना होगा। सॉन्ग का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके ऑडियो पे जाना है, और उस वाले सॉन्ग को आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है, ठीक है। अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो डाउनलोड फोल्डर में होगा, तो आपको अपने हिसाब से जिस भी फोल्डर में है सॉन्ग उसको यहाँ से देख लीजिए और उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। फिर प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, सॉन्ग यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर राइट के बटन पर क्लिक कर लीजिए तो सॉन्ग आ जाएगा। सॉन्ग को जैसे आप प्ले करोगे इस तरीके से आएगा, ठीक है, एकदम परफेक्टली मैच ही होगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको अगर मैंने यहाँ पर 30 सेकंड कर दिया, मैंने यहाँ पर 10 सेकंड ही ऐड करा, लेकिन आपको मैंने 30 सेकंड का दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर फोटो आपको एकदम लाइट है तो उसको थोड़ा सा अगर आप ब्लैक जैसा करना चाहते हो, थोड़ा सा आप डार्क कलर देना चाहते हो, तो क्या करना, आपको फोटो के स्टार्ट वाले पॉइंट पर आना है, फिर मीडिया पर जाना है, और फिर बैकग्राउंड पर जाना है, और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। ओके, ब्लैक कलर के बैकग्राउंड का आपको पूरा फ्रेम में बड़ा कर देना है। अब यहाँ से आपको आ जाना है अल्फा ओपेसिटी में, और इसकी अल्फा ओपेसिटी आपने कम कर देनी है। ओके, 20 कर दीजिए, राइट के बटन पर क्लिक कीजिए। अब फिर से आप देख लीजिए, अगर थोड़ा सा और भी आपको डार्क करना है तो फिर से आपको ओपेसिटी पे आना है, और यहाँ पर जितना भी आप डार्क रखना चाहते हैं उतना आप रख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर राइट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन है उस वाले प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सेलरेशन है, उसको आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आपके काइन मास्टर में ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं है तो आपको एकदम नीचे आ जाना है और गेट मोर पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक्शन पे जाना है, और एक्शन में आपको वाला ट्रांजेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है।
जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन मिलेगा जिसका नाम है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेविटी वेल है, ठीक है, ग्रेविटी वेल है, उसके पास में आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है, ये यह रहा यहाँ पे। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर देना, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए और फिर 3 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपका पूरा बन जाएगा, फिर राइट का बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर ये अगर छोटा हो गया, ठीक है, हमारी जो फोटो है वो अगर छोटी हो गई है तो इसको आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जितना भी सॉन्ग आपने रखा है उतने तक इसको आगे तक ले जाना है, ओके। इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर आना है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर आना है, जहाँ पर फोटो खुल रहा है वहाँ पर आना है, फिर जाना है लेयर पर, फिर जाना है मीडिया पर, और लाइट इफेक्ट वीडियो का लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लगाना चाहते हो उस वाले वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पर इस वाले वीडियो को ऐड कर दीजिए। अगर आप लगाओगे तो आपकी स्टेटस काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखेगी, तो इसको आप ज़रूर से लगाइएगा। तो इस तरीके से लगा दीजिए, फिर यहाँ से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग पर जाना है और इसको आपको स्क्रीन कर लेना है, ओके, स्क्रीन कर दीजिए, फिर राइट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसी के साथ आपका पूरा स्टेटस कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। स्टार्ट वाले पॉइंट पे आना है और यहाँ पर आपको एक बार प्ले करके जरूर से देख लेना है कि सॉन्ग के साथ एकदम परफेक्ट मैच हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर सॉन्ग के साथ अगर ये मैच नहीं हुआ तो आपको ऊपर के और ये जो ऊपर की दोनों जो लेयर है हमारी उसको आपको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो सॉन्ग के हिसाब से, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर इसको आगे पीछे कर लीजिए या तो फिर इसको आगे पीछे करके सेट कर लीजिए, एक तो परफेक्ट सेट हो ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना, जैसे एक्सपोर्ट करोगे वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी।